स्टैंडर्ड 8, आज हम मैथ्स का चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर सेकंड का नाम है पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। बहुत ही सिंपल और बहुत इजी चैप्टर है। अगर तुम्हें पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल समझ में आ गया तो तुम्हें ये चैप्टर पूरा समझ में आएगा। तो सबसे पहला मैं डिस्कस करता हूं तुम्हारे साथ कि पैरेलल लाइन क्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज पैरेलल लाइन? ये पहला सवाल आता है सबके माइंड में चैप्टर का नाम आते साथ ही कि पैरेलल लाइन क्या होगी। तो उसका डेफिनेशन पहले लिखता हूं और बाद में समझाता हूं कि पैरेलल लाइन बोलते किसको है। द लाइन व्हिच लाइज इन द सेम प्लेन but do not intersect and do not intersect each other is called parallel line. Symbol of parallel line is ये साइन है parallel line। अच्छा, तो मैंने parallel line का definition लिखा है, अब उसका मतलब समझाता हूं। तो मतलब ध्यान से देखना क्या है। अब मैं यहां पर plane draw कर रहा हूं। प्लेन यानी यहां पर मैं एरोप्लेन की बात नहीं कर रहा हूं। प्लेन का मतलब यहां पर होता है फ्लैट सरफेस। प्लेन का मतलब यहां पर होता है फ्लैट सरफेस। ये मैंने एक प्लेन ड्रॉ किया, ये प्लेन है। मैं और एक प्लेन ड्रॉ कर रहा हूं, तो फिर से प्लेन का मतलब बता रहा हूं। प्लेन का मतलब होता है फ्लैट सरफेस। ये दूसरा प्लेन है, इसको मैं नाम देता हूं प्लेन ए, इसको मैं नाम देता हूं प्लेन बी। मैंने दो प्लेन बना दिए। नाउ अब इस प्लेन के अंदर मैं दो लाइन खींच रहा हूं या दो लाइन बना रहा हूं। इसको मैंने नाम दिया लाइन एल, इसको मैं नाम देता हूं लाइन एम। अब इस प्लेन के अंदर भी मैं दो लाइन बना रहा हूं। इसको मैं नाम दे रहा हूं लाइन पी, इसको मैं नाम देता हूं लाइन क्यू। तो बच्चों मैंने दो प्लेन बनाए और दोनों प्लेन के अंदर दो दो लाइन बनाई। प्लेन ए के अंदर भी तुम दो लाइन दिख रहे हो, प्लेन बी के अंदर भी तुम दो लाइन दिख रहे हो। अब वैसे बस इधर एडमिट करवा दिया, अब तो बाहर कैमरा से जब तक। ओके, चैप्टर है पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल, चैप्टर नंबर 2 मैथ्स का, और हम पढ़ रहे हैं पैरेलल लाइन का मतलब। पैरेलल लाइन का डेफिनेशन, द लाइन विच लाइज इन द सेम प्लेन एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड अ पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन का सिंबल है, ये पैरेलल लाइन की साइन है। अब पैरेलल लाइन का मतलब मैं हिंदी में समझाने जा रहा हूं कि होता क्या पैरेलल लाइन। मैंने दो प्लेन बनाए, ये प्लेन बनाया प्लेन ए, ये प्लेन बनाया प्लेन बी। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये प्लेन का मतलब एरोप्लेन नहीं, प्लेन का मतलब होता है सरफेस, अ फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस, उसको बोलते हैं प्लेन। तो हमारे पास कितने प्लेन है? दो प्लेन है, प्लेन ए प्लेन बी। और दोनों प्लेन के अंदर अगर तुम देखोगे तो दो दो लाइन है। प्लेन ए के अंदर दो लाइन है, लाइन एल लाइन है।
प्लेन बी के अंदर भी दो लाइन है, लाइन पी और लाइन क्यू। प्लेन के अंदर दो दो लाइन है कि नहीं है? प्लेन ए में कितनी लाइन है, प्लेन बी में कितनी लाइन है? प्लेन ए में दो लाइन है, लाइन के नाम क्या है? लाइन है। प्लेन बी के अंदर भी दो लाइन है, लाइन पी और लाइन क्यू। अब एक बात बताओ, कौन से प्लेन में, प्लेन ए में या प्लेन बी में लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यानी लाइन एक दूसरे को कट कर रही है? प्लेन बी में। प्लेन बी में लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, लेकिन प्लेन ए में लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। कर रही है क्या? नहीं कर रही। प्लेन ए में लाइन इंटरसेक्ट, प्लेन बी में लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अच्छा, लाइन एल और लाइन एम सेम प्लेन के अंदर है, ठीक उसी तरह लाइन पी और लाइन क्यू भी सेम प्लेन के अंदर है, लेकिन फर्क क्या है? यहां पर लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही, यहां पर लाइन इंटरसेक्ट। तो अगर लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो ये हो जाएगी पैरेलल लाइन, और ये पैरेलल लाइन नहीं है। दो लाइन आमने सामने है, दो लाइन, और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है। दो लाइन आपने सामने है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल लाइन। तो यहां पर हम लिखेंगे कि लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। ये साइन किसकी है? पैरेलल लाइन। बट यहां पर मैं लिखता हूं लाइन पी इज नॉट पैरेलल टू लाइन क्यू। लाइन पी लाइन क्यू से पैरेलल नहीं है, यहां पर लाइन एल लाइन एम से पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि ये दो लाइन आमने सामने है और इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ये क्यों पैरेलल नहीं है? क्योंकि ये दो लाइन आमने सामने भी नहीं है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रही है। तो ये है पैरेलल लाइन का मतलब, ठीक है। अब सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है? पैरेलल लाइन है ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन है ट्रांसवर्सल। तो पैरेलल लाइन का मतलब मैंने समझा दिया, अब मैं समझाता हूं ट्रांसवर्सल का मतलब। व्हाट इज ट्रांसवर्सल लाइन? व्हाट इज ट्रांसवर्सल लाइन? अब इसका मतलब क्या है? अ लाइन विच कट द पैरेलल लाइन इन डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। अब एक डायग्राम ड्रॉ करके मैं तुम्हें क्लियर समझा दूंगा कि पैरेलल लाइन होती क्या है। मैंने दो लाइन बनाई, इस लाइन का नाम मैं देता हूं पी, इस लाइन का नाम मैं देता हूं क्यू। क्या ये लाइन आमने सामने है? हां आमने सामने है। क्या ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही है। तो क्या ये पैरेलल लाइन हुई? हां ये पैरेलल लाइन हो गई। तो यहां पर लिखता हूं लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू। ओके, अब ध्यान से देखो, अब ये लाइन देखो, इस लाइन का मैं नाम देता हूं एम, इस लाइन का नाम क्या दे रहा हूं? अब तुम मेरे को बताओ क्या लाइन एन ने इन पैरेलल लाइन को कट किया, इंटरसेक्ट किया, हां या ना? लाइन एन ने लाइन पी को कट किया, इस पॉइंट का नाम देता हूं मैं ए,
लाइन एन ने लाइन क्यू को कट किया, इस पॉइंट का नाम देता हूं मैं डी। पैरेलल लाइन को कट करने वाली लाइन क्या कहा जाती है? ट्रांसवर्सल लाइन। पैरेलल लाइन को कट करने वाली लाइन क्या कहते हैं उसको? ट्रांसवर्सल लाइन। यहां पे लिखता हूं मैं लाइन एन इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। लाइन एन इज अ लाइन पी और क्यू पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन को कट कौन सी लाइन ने किया? लाइन, तो लाइन एन क्या बन गई? लाइन एन लाइन पी और क्यू के लिए क्या बन गई? ट्रांसवर्सल लाइन। अच्छा खासियत देखियो, ट्रांसवर्सल लाइन एन है, क्या उसने लाइन पी और लाइन क्यू को सेम पॉइंट पर कट किया है? नहीं। लाइन पी को कट किया कौन से पॉइंट पर? पॉइंट ए पर। और लाइन क्यू को कट किया कौन से पॉइंट पर? पॉइंट बी। समझ में आ गया? तो पैरेलल लाइन मतलब दो लाइन जब आमने सामने हो तो उसे पैरेलल लाइन कहेंगे, और पैरेलल लाइन को कट करने वाली लाइन को क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल लाइन। क्या है टॉपिक का नाम? एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल लाइन। टॉपिक का नाम क्या है? एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल लाइन, यानी ट्रांसवर्सल लाइन कौन से एंगल बनाता है, तो वो लिखा देता हूं पहले। ट्रांसवर्सल लाइन तीन तरह के एंगल बनाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल इंटीरियर एंगल। ट्रांसवर्सल लाइन हमें कितने तरह के एंगल बनाकर देता है? तीन, करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल। अब मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं। मैं दो लाइन का नाम देता हूं, लाइन पी लाइन क्यू। क्या ये लाइन आमने सामने है? तो लाइन पी और लाइन क्यू कौन सी लाइन हो गई? पैरेलल लाइन। लाइन एन ने पैरेलल लाइन को कट किया, तो लाइन एन लाइन पी और लाइन क्यू के लिए क्या कहलाई जाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब ट्रांसवर्सल लाइन आने के बाद तुम्हें एंगल मिलेंगे। ये एक एंगल मिला, एंगल ए नाम दे रहा हूं। दूसरा एंगल मिला, एंगल बी। तीसरा एंगल मिला, एंगल सी। चौथा एंगल मिला, एंगल डी। पांचवा एंगल मिला, एंगल ई। छठवा एंगल एफ। सातवां एंगल जी। आठवां एंगल एच। यानी ट्रांसवर्सल लाइन आने के बाद कितने एंगल मिले? आठ एंगल मिले। नंबर ऑफ एंगल
formed by transversal on parallel line is dash. कितना आंसर लिखोगे? 8. यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन आने के बाद हमें पैरेलल लाइन पर कितने एंगल मिले? 8 एंगल. 8 एंगल वी गॉट इट. तो ट्रांसवर्सल आने के बाद कितने एंगल फॉर्म होते हैं पैरेलल लाइन पर? 8 एंगल्स. कितने एंगल? अभी इनमें से 8 कुछ जोड़ी करस्पॉन्डिंग की होगी, कुछ जोड़ी ऑल्टरनेट की होगी और कुछ जोड़ी इंटीरियर की होगी. ठीक है, तो अभी मैं एक एक करके मतलब बताता हूं. करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल ठीक है. वर्ड करेस्पॉन्डिंग का मतलब मैं लिखा देता हूं. सेम डायरेक्शन या फिर मैचिंग कॉर्नर. सेम डायरेक्शन या फिर मैचिंग कॉर्नर, ये किसका मतलब लिखाया मैंने? करेस्पॉन्डिंग का. किसका मतलब लिखाया? करेस्पॉन्डिंग का. नाउ टू एंगल्स विद सेम डायरेक्शन आर करेस्पॉन्डिंग एंगल. अगर दो एंगल का डायरेक्शन सेम हो, दो एंगल का डायरेक्शन कैसा हो, तो उसको क्या बोलोगे तुम? करस्पॉन्डिंग एंगल. अब देखो डायग्राम यहीं पर है ना. ओके, नाउ लुक एट द डायरेक्शन ऑफ द एंगल. एंगल ए और एंगल ई, दोनों एंगल का डायरेक्शन सेम है. एंगल ए का भी मुंह इस तरफ है, एंगल ई का भी मुंह. तो एंगल ए और एंगल ई, ये कौन सा एंगल बन गया? एंगल ए एंड एंगल ई आर करस्पॉन्डिंग एंगल. अब दूसरा एंगल देखो, ये डायग्राम को देखकर बता रहा हूं. एंगल बी, एंगल एफ, क्या ये दोनों एंगल का डायरेक्शन सेम है? मतलब ये दो एंगल का फेस सेम डायरेक्शन पर है, तो ये भी कौन सा एंगल बन गया? एंगल बी एंड एंगल एफ आर करस्पॉन्डिंग एंगल. क्लियर है? अब आगे एंगल डी, एंगल एच, क्या ये दोनों एंगल का फेस सेम डायरेक्शन पर है? तो ये भी कौन सा एंगल बन गया? एंगल डी एंड एंगल एच आर करस्पॉन्डिंग एंगल. अब एंगल सी और एंगल डी, क्या ये दो एंगल का फेस सेम डायरेक्शन पर है? सेम डायरेक्शन पर फेस है, तो ये भी कौन सा एंगल बन गया? एंगल सी एंड एंगल जी आर करस्पॉन्डिंग एंगल. अब
अब दो एंगल करेस्पॉन्डिंग है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा, तो हम उन दोनों एंगल का डायरेक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? अगर दोनों एंगल का डायरेक्शन सेम है तो वो कौन सा एंगल हो गया? करेस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल हो गया? ठीक है, तो करेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? सेम डायरेक्शन या फिर मैचिंग। अब तुमसे एक सवाल किसी ने पूछा कि पैरेलल लाइन पर, पैरेलल लाइन पर जब ट्रांसवर्सल आया तो कितनी जोड़ी करेस्पॉन्डिंग एंगल की मिली, तो जवाब क्या दोगे? चार। करेस्पॉन्डिंग एंगल का तुमको कितना पैर मिला? चार पैर मिला। ये पैर नंबर वन, ये पैर नंबर टू, ये पैर नंबर थ्री, ये पैर नंबर फोर। तो पैरेलल लाइन पर जब ट्रांसवर्सल लाइन आता है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल का कितना पैर मिलता है? चार पैर मिलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद कौन सा एंगल था बाबा? ऑल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल? चलो ऑल्टरनेट एंगल का मतलब मैं पहले लिखा देता हूं। टू एंगल्स विथ अपोजिट कॉर्नर आर कॉल्ड ऑल्टरनेट एंगल। दो एंगल का कॉर्नर कैसा होगा? इसका मतलब दो एंगल का डायरेक्शन कैसा होगा? अपोजिट या डिफरेंट। अपोजिट। दो एंगल का डायरेक्शन कैसा होगा? अपोजिट। तो ऐसे दो एंगल को तुम क्या बोलोगे? ऑल्टरनेट एंगल। अब ध्यान देना, ध्यान दो, ठीक है? Now look over here. Angle A and angle H. Angle A and angle. ये दोनों एंगल का कॉर्नर या दोनों एंगल का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? इसका मुंह इस तरफ है तो उसका मुंह, ठीक है, या तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूं, चलिए ले लेते एंगल ए और एंगल जी। अब बराबर समझेगा, एंगल ए और एंगल जी क्या दोनों का डायरेक्शन, दोनों एंगल का डायरेक्शन सेम है? अपोजिट है। तो ये कौन सा एंगल बन गया? ऑल्टरनेट एंगल। तो यहां पे लिखता हूं एंगल ए एंड एंगल जी आर ऑल्टरनेट एंगल। नेक्स्ट, थोड़ा जूम कर देना उसको। नाउ सेकंड, एंगल बी और एंगल एच। एंगल बी और एंगल दोनों का डायरेक्शन सेम है क्या? दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये कौन सा एंगल बन गया? एंगल बी एंड एंगल एच आर ऑल्टरनेट एंगल। नेक्स्ट, एंगल डी एंड एंगल एफ, क्या इन दोनों का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? अपोजिट है, तो ये भी कौन सा एंगल बन गया? एंगल डी एंड एंगल एफ आर ऑल्टरनेट एंगल।
नेक्स्ट, अब क्या बचा? एंगल सी और एंगल ई, एंगल सी एंड एंगल, इन दोनों एंगल का भी डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये भी कौन सा एंगल हो गया? तो हमें पैरेलल लाइन पर ऑल्टरनेट एंगल का कितना पैर मिला? पैरेलल लाइन पर करस्पॉन्डिंग एंगल का भी कितना पैर मिला? अच्छा, अब ऑल्टरनेट एंगल ना दो तरीके के होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट, तुम पहले दो पैर जो देख रहे हो, इसको बोलेंगे हम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और इन दो पैर को हम बोलेंगे, लास्ट के दो पैर को अपन बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट, ठीक है। तो चार पैर मिलेंगे ऑल्टरनेट एंगल के, जिसमें से दो पैर एक्सटीरियर होंगे और दो पैर, यानी ऑल्टरनेट एंगल के कितने टाइप हो गए? दो, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और ऑल्टरनेट इंटीरियर। अब तो बोलोगे सर ये एक्सटीरियर और इंटीरियर तुमने क्यों बोला, ठीक है। अब यहां पे देखो, एंगल ए और एंगल जी, एंगल ए का मुंह भी बाहर है, एंगल जी का मुंह बाहर है, इसलिए ये बन गया ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। फिर एंगल बी और एंगल एच, एंगल बी एंगल एच, इन दोनों का मुंह भी बाहर है, तो ये बन गया ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब एंगल डी और एंगल एफ, इनका मुंह लाइन के बीच में है ना, हाँ या ना, अंदर की तरफ है ना, इसलिए ये बन गया ऑल्टरनेट इंटीरियर। ठीक उसी तरह एंगल सी और एंगल ई का भी मुंह अंदर की तरफ है, इसलिए ये बन गया ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो ऑल्टरनेट एंगल के तुमने कितने टाइप देखे? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पैरेलल लाइन पर करस्पॉन्डिंग एंगल के कितने पैर मिले? चार। ऑल्टरनेट एंगल के भी कितने पैर मिले? चार। अगर दो एंगल का डायरेक्शन सेम है तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर दो एंगल का डायरेक्शन अपोजिट है तो वो कौन सा एंगल, करस्पॉन्डिंग या ऑल्टरनेट? ऑल्टरनेट एंगल। हमने स्टार्ट किया था पैरेलल लाइन से, पैरेलल लाइन मतलब दो लाइन आमने सामने हो, इंटरसेक्ट ना करे, उसको बोलेंगे पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन को कट करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? तो ट्रांसवर्सल लाइन आने के बाद अपने को कितने तरह के एंगल मिलेंगे पैरेलल लाइन पर? तीन तरह के, करस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट और कुल मिला के ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से कितने एंगल बनते हैं? बराबर ना। फिर हमने करस्पॉन्डिंग और ऑल्टरनेट एंगल का मतलब देखा, ठीक है। अब मैं ये पोर्शन मिटा रहा हूं, जब मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा तो तुम्हें लिंक भेजूंगा, तो फिर आराम से कॉपी कर देना, ठीक है। अब मैं ये पोर्शन मिटा दे रहा हूं, एंगल लाइज बिटवीन द लाइन इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल। लाइन के बीच में आने वाले एंगल, लाइन के आने वाले एंगल को क्या बोलते हैं? अब यहां पर देखो, एंगल डी और एंगल ई, ये दो लाइन के बीच में आ रहे, तो ये बन गया इंटीरियर एंगल। डी एंड एंगल ई आर इंटीरियर एंगल। ठीक उसी तरह इस तरफ देखो, एंगल सी और एंगल एफ लाइन के बीच में आ रहे ना, तो ये भी बन गए इंटीरियर एंगल। सी एंड एंगल एफ आर इंटीरियर एंगल, यानी लाइन के बीच में अगर एंगल आ रहे हैं सेम साइड पर, लाइन के बीच में अगर दो एंगल है सेम साइड पर, तो उसको क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल। अब देखो, एंगल डी और एंगल ई, ये लाइन के बीच में है ना, सेम साइड पर है ना, तो ये बन गए इंटीरियर एंगल। सी और एंगल एफ, ये भी लाइन के बीच में है ना, सेम साइड पर है ना, तो ये बन गए इंटीरियर
एंगल। तो इंटीरियर एंगल का कितना पैर मिलेगा सर? दो। करस्पॉन्डिंग एंगल का कितना पैर मिलेगा? चार। ऑल्टरनेट एंगल का कितना पैर मिलेगा? चार, जिसमें से दो होंगे एक्सटीरियर और दो होंगे इंटीरियर। और इंटीरियर एंगल का कितना पैर मिलेगा? दो। अगर दो एंगल का डायरेक्शन सेम है तो वो कौन सा एंगल? अगर दो एंगल का डायरेक्शन अपोजिट है तो? अगर दो एंगल लाइन के बीच में सेम साइड पर आ रहे तो वो इंटीरियर है। ठीक है, तो मैंने ये पूरा इंट्रोडक्शन करा दिया। अब कल के लेक्चर में हम इसका करेंगे प्रैक्टिस सेट। कल हम करेंगे सेकंड लेसन का पहली एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2.1। जब मैं लिंक शेयर कर दूंगा तो इसको पूरा डिटेल में कॉपी करना, क्योंकि मैं कल चेक करूंगा बुक तुम लोगों को। थैंक यू।